तो लेग पीस देख सकते हो कितना बड़ा लेग पीस है। तो ये सिर्फ आपको देसी चिकन का ही मिलेगा, और देसी चिकन को कुक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पहली बात तो ये मिलता है बहुत मुश्किल से, और हर किसी के बस का नहीं है कि आपको इतने अच्छे से कुक करके दे दे। तो हमारी यहाँ पे ग्रिल फिश बनने जा रही है। ये फिश कौन सी है? ये बासा है। बासा, तो देख सकते हो ग्रिल फिश लगने जा रही है यहाँ पे। तो ये लगने जा रहा है सऊदी बारबेक्यू। तो ये है वो आइटम जिससे कम्बू किचन स्टार्ट हुआ था और फेमस हुआ था, ये इनकी क्रंची फिश। तो दोस्तों ये सऊदी बारबेक्यू उनका रेडी हो चुका है, तो कितने अच्छे से ग्रिल हो चुका है देख सकते हो, मुंह में पानी आ रहा है देखिए। तो ये है इनका फुल साइज देसी तंदूरी मुर्गा जो कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल इंडिया एट मिनिया। मैं गुरशेर चौहान आपको लेकर आया हूँ पंजाब के भटिंडा शहर में। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना काम जीरो से स्टार्ट किया है। पंजाब में इनके 3 आउटलेट्स हैं कम्बू किचन नाम से, जो कि अपने तंदूरी आइटम्स के लिए काफी जाने जाते हैं। तो ये वीडियो काफी मोटिवेशनल होने वाला है, तो चलिए चलते हैं इनके ओनर से बात करते हैं, इनके कुछ फेमस आइटम्स की मेकिंग देखते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। मेरा नाम करमजीत सिंह है, वैसे मेरे को लोग यहाँ पर कम्बू के नाम से जानते हैं क्योंकि मेरे नाम पे ये रेस्टोरेंट खुला हुआ है कम्बूज किचन के नाम पे। इस आउटलेट को सर अराउंड कोई 10 ईयर्स हो गए सर। स्टार्ट तो सर ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, तो क्या था कि पहले मैं जॉब करता था ICICI बैंक में, तो वहाँ पर मैंने 3-4 साल काम किया, उसके बाद जॉब छोड़ दी। तो फिर मैं कुकिंग का तो शुरू से ही शौक था मेरे को, पैशन था एक कुकिंग का। जैसे जब मेरे नौकरी छोड़ी तो मैं घर पे कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता था। तो ऐसे ही एक मेरे घर पे मैं कुछ कुक कर रहा था तो एक फिश बनाई थी, तो वो मेरे दोस्तों को अच्छी लगी, फिर मैंने वो फिश का ही स्टॉल लगा दिया यहाँ पर 100 फुटी रोड पे, एक स्टील का स्टॉल बनवाया। तो स्टॉल पे काम करता था, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पहले दिन तो मेरे दोस्त लोग आए, उनको अच्छा लगा, उन्होंने आगे बोला। बस मेरा क्या था कि माउथ ऐड हुआ, तो धीरे धीरे सारे बठिंडे को मालूम चल गया कि ऐसे करके लड़के ने फिश का स्टॉल लगाया। तो धीरे धीरे सेल भी इंक्रीज होती गई, जैसे पहले दिन 2000 हुआ, फिर 5000, फिर 10000, फिर 20000, फिर ऐसे बढ़ गया था। अभी तो हमारे पास बहुत है, अभी ग्रिल्ड फिश है, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग उनके लिए ग्रिल्ड फिश होता है, विदाउट ऑयल बनती है ग्रिल्ड फिश है, सऊदी बारबेक्यू है, पेशावरी फिश है, देर आर सो मेनी रेसिपीज। टाइमिंग तो सर हम 2 बजे से लेके 10 बजे तक चलता रहता है, 10:30 बजे के करीब क्लोज कर देते हैं। एड्रेस तो सर ये हनुमान चौक है, सिटी प्लाजा मार्केट, हनुमान चौक बठिंडा। तो देख सकते हो देसी तंदूरी मुर्गा लगने जा रहा है यहाँ पे। तो इसके मैं आपको बता दूं पीसेस बहुत ही बड़े होते हैं, देसी मुर्गे का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ही रेयर मिलता है ये, जो कि आपको गांव में मिलेगा। बहुत मुश्किल है इसको तंदूर में पकाना, पहले बहुत हार्ड होता है। तो इसको लेग पीस देखो तो कितना बड़ा है ये। तो ये देसी मुर्गा लग गया है यहाँ पे, आप इसको ग्रिल करेंगे। तो ये जा रहा है तंदूर में, तो इसको कितनी देर रखेंगे हम तंदूर में? इसको 10-15 मिनट। 10 से 15 मिनट। तो भैया क्या चीज़ है ये? ये डबल लहर सीख। तो दोस्तों अभी जा रहा है बटर में, तो अब इसको अच्छे से बटर में एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे ताकि इसका गोल्डन सा कलर आ जाए और उसका टेस्ट। तो कितना टाइम लगेगा इसको करने में? बस 2-3 मिनट। 2 से 3 मिनट। तो इसमें डबल लेयर चिकन होता है? हाँ जी हाँ, ये है इसमें। अच्छा, तो देख तो 2 लेयर अंदर कलर देख तो डिफरेंस पता चल जाएगा। तो डबल लेयरिंग होती है चिकन की, तो इसमें फर्क क्या होता है? इसमें टेस्ट भी अलग होगा। अच्छा, टेस्ट अलग होता है अंदर से। तो फाइनली यहाँ पे सारा फूड लग चुका है, तो देख सकते हो कितनी सारी आइटम्स लगे हैं यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या लगा है। तो फर्स्ट आइटम यहाँ पे लगी है देसी तंदूरी चिकन, तो सेकंड यहाँ पे लगा है डबल लेयर चिकन सीख, तो थर्ड आइटम मैंने लगवाई है सऊदी बारबेक्यू, तो नेक्स्ट आइटम यहाँ पे लगी है ग्रिल्ड फिश, तो मेन कोर्स में मैंने लगवाया तवा चिकन विद गार्लिक नान। तो देख सकते हो सबसे पहली आइटम है यहाँ पे देसी तंदूरी चिकन। तो लेग पीस देख सकते हो कितना बड़ा लेग पीस है। तो ये सिर्फ आपको देसी चिकन का ही मिलेगा, और देसी चिकन को कुक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पहली बात तो ये मिलता ही बहुत मुश्किल से है, और हर किसी के बस का नहीं है कि आपको इतने अच्छे से कुक करके दे दे। तो उसमें जल्दी से एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। तो भाई बड़े दिन हो गए थे देसी मुर्गा खाए हुए, तो ये सिर्फ गांव में मिलता है, ज़्यादातर आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। तो अगर आप भटिंडा आ रहे हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो कम्बूज किचन में। तो देख सकते हो कितने अच्छे से उन्होंने पकाया हुआ है, एकदम जूसी हो रहा है, साथ में इन्होंने जो बटर लगाया है, मसाले लगाया है, मैरिनेट किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से उसको मैरिनेट किया हुआ है, उसका जो टेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर आप भटिंडा आ रहे हो तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मज़ा आ गया। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ डबल लेयर चिकन सीख कबाब, तो इसमें 2 लेयर है चिकन की, तो इसको टेस्ट करता हूँ मैं ग्रीन चटनी के साथ।
तो इसमें मैं आपको बता दूं, तो इसमें दो टाइप के चिकन इन्होंने यूज़ किए हैं। एक में इन्होंने अच्छे से मैरिनेशन किया हुआ है, तो देखो तो अंदर की लेयर जो थी तो इसकी मैरिनेशन अलग है, और ऊपर से जो इन्होंने चिकन लगाया तो दोनों का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इन्होंने बीच में वेजेस डाली हुई है और काफ़ी अच्छे से इसको कुक किया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये आपको कहीं और मिलने वाला है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये। तो मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ ग्रिल्ड फिश। तो देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने फिश को काफ़ी अच्छे से ग्रिल किया हुआ है, तो इन्होंने काफ़ी सारे सैलेड डाले हुए हैं, तो इसको भी इन्होंने अच्छे से ग्रिल कर लिया था और फिश के साथ सर्व किया है। तो साथ में इन्होंने मुझे दी मिंट सॉस और टाटा सॉस। तो मैं चम्मच काटो चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं हाथ से ट्राई करूंगा इसको। तो ये देखिए, ये है यहाँ की ग्रिल्ड फिश, तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको मैं ट्राई करने जा रहा हूँ मिंट सॉस के साथ। तो भटिंडा वाले तो बहुत ही लकी है, काश ये आउटलेट दिल्ली में भी आ जाता, मज़ा आ गया भाई। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ साउदी बारबेक्यू। तो देख सकते हो चिकन के पीसेस कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में, एकदम बढ़िया से रोस्ट किया हुआ है इनको, और ऊपर से इन्होंने थोड़ा सा सैलेड डाला हुआ है, हरा धनिया डाला हुआ है, और बटर देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है साउदी बारबेक्यू, तो इन्होंने जो इसमें मसाले यूज़ किए होते हैं वो थोड़े मिडिल ईस्ट के यूज़ किए मसाले, और जो मैरिनेशन है इनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहता है। जो इसमें जो टेस्ट आ रहा है थोड़ा सा टैंगीनेस आ रही है, और जो इसके अंदर का चिकन है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी जूसी है, और एकदम ताज़ा मुर्गा है ये, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, मज़ा आ गया खा के। तो अगर आप भटिंडा विजिट कर रहे हो और कम्बूज किचन में जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इंडिया इट मेन की तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, मज़ा आ गया मुझे तो खा के। तो स्टार्टर तो फिनिश हो गए, अब मैं मूव करता हूँ मेन कोर्स की तरफ। तो अब मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इनका तवा चिकन। तो साथ में मैंने लगवाया गार्लिक नान, तो इसके साथ मैं टेस्ट कर लेता हूँ उसको। तो जैसा कि इसका नाम है तवा चिकन, तो इन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से तवे पे कुक किया हुआ है, जो इन्होंने मसाले डाले हैं, जो इन्होंने वेजेस डाली है, ऊपर से इन्होंने ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है, तो काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स आ रहे हैं, चिकन काफ़ी अच्छे से कुक किया हुआ है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप कुछ मेन कोर्स में ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनका तवा चिकन ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। बट जिस चीज़ से कम्बू किचन ने स्टार्टिंग की थी और फेमस हुआ था उस चीज़ को ट्राई कर लेते हैं। तो ये है वो आइटम जिससे कम्बू किचन स्टार्ट हुआ था और फेमस हुआ था, ये इनकी क्रंची फिश। तो देख सकते हो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची है ये, और गोल्डन कलर आ रहा है इसमें काफ़ी अच्छा, इसको मैं तोड़ के खाता हूँ आपको। तो इसको मैं ट्राई करूंगा व्हाइट सॉस के साथ। तो वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। तो अब मुझे पता चला कि कम्बू किचन इतना फेमस क्यों है, क्योंकि जो इनकी फिश है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और जो क्वालिटी इन्होंने मेंटेन की है, मज़ा आ गया। तो आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलने वाली, ना दिल्ली में मिलेगी, ना पंजाब में कहीं और मिलेगी, आपको इसके लिए भटिंडा आना पड़ेगा, और इसको एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिए, मेरे तो ये फेवरेट आइटम बन गई है। तो अब मैं इन सभी आइटम्स को जल्दी से यहाँ पे फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।